नहीं, क्योंकि आपके साथ कुछ कुछ नए लोग आए हैं, तो ये उन्हीं की बैच है, तो हम आपके साथ कुछ चीजें को रिपीट करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल की स्टार्टिंग पोजीशंस को। चलिए हम इसके बारे में आगे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सेल की एड्रेसिंग सिस्टम को, जिसमें हम डॉलर वगैरह का यूज जो इस्तेमाल करते हैं और एड्रेस वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देते हैं, अब मुझे इन नंबर के ऊपर ऊपर मान लीजिए 20 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 85 यहाँ पे प्लस 20 कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ये मैनुअल कैलकुलेशन हो गए, इसके साथ लिंक नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे चेंज करूंगा तो चेंज नहीं होगा, तो उस केस में हम इसका एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं कि BA1+20, एंटर मारते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह हुआ कि अगर मैंने यहां पे 20 लिखा और इसे लिंक करना चाहे तो कैसे लिंक करेंगे, तो यहां पे हम D1 को सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए आपके सामने A1+D1 आता है। अब मुझे इस नीचे अगर इसको ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब भी हम रेफरेंस को नीचे ड्रैग करते हैं तो अपने आप को इंक्रीज और अपने आप को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके सामने डॉलर लगा देंगे, फिर इसको एंटर मारेंगे, फिर इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग किया तो देखिए क्या है कि चेंज हुआ। मतलब कि रेफरेंस को फिक्स करने के लिए, ताकि वो चेंज ना हो, तो यहां पे हम डॉलर का साइन असाइन करेंगे तो फिक्स नहीं होगा, समझे। दोनों तरफ डॉलर लगाएंगे तो रो एंड कॉलम को फिक्स कर देगा, एक तरफ लगाएंगे तो सिर्फ रो एंड कॉलम को, सिर्फ कॉलम को फिक्स करेगा, रो को नहीं फिक्स करेगा। मतलब तो जिसके आगे, क्योंकि एक एड्रेस में आपका रो होता है और कॉलम होता है, तो जिसको फिक्स करना चाहते हैं उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में कुछ और ट्रिक्स के बारे में, जैसे कि फाइल की प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि जो U71 है, अब ये फाइल है क्या आखिर, इसके अंदर क्या डेटा है। नाम से अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन जनरली बहुत सारे फाइलों के नाम ऐसे होते हैं जिसके नाम से हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर है क्या। ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हैं कि आप राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और इसके डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, इस डिटेल्स पे आइए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए इसका टू बी टाइटल हो या सब्जेक्ट हो। जैसे मैंने लिख दिया कि BVA, यहाँ पे मैं टैग हो गया VVA डेटा सैंपल, और इसके टैग में मैं VVA डाल देता हूं, माइक्रो कर देता हूं, प्रोग्रामिंग का कोड कर देता हूं। ये टैग क्या हुआ, सर्चिंग कीवर्ड्स हुए, कि हम माइक्रो से भी करेंगे तो फाइल सर्च हो जाएगा, कोड से करेंगे फिर भी सारी फाइल सर्च हो जाएगा। इसको अप्लाई करता हूं, ओके करता हूं, स्क्रीन को अपडेट करने के लिए मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं। अब मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा तो आप देखिएगा कि आपको आ गया VVA डेटा एग्जाम सैंपल, तो इससे पता चल जा रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सर्च करूं, जैसे मैंने सर्च कर दिया कोड, तो पहला लाइन आ गया यहां पे,
ठीक है। सही है। तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। तो इस तरह से फाइल प्रॉपर्टी मेंटेन करने का फायदा होता है। दूसरी चीज, जैसे कि मैं यहां पे जनवरी लिखता हूं और ड्रैग करता हूं तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई इस तरह से आ जाता है। उसी तरीके से मैं यहां पे संडे सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया तो संडे मंडे ट्यूजडे इस तरह से आपको आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी का नाम टाइप करूं, इसमें पूजा टाइप किया और फिर नीचे की तरफ मैंने ड्रैग किया, अब देखिए पूजा, कविता, नीरज, नीतु, पुनीत, ओम, कुणाल, इस वाक्य, क्यों? क्योंकि ये ऐड कर रखा है हम। अब इस चीज को ऐड करने के लिए कैसे करेंगे? तो फाइल मेनू बार में जाना है आपको, ऑप्शन में आना है, ठीक है, और फिर इसको यहां एडवांस में सबसे नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। इसमें जाके अपने लिस्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट ऐड, सिटी ऐड कर रहा हूं कि पुणे, पटना, जयपुर, कानपुर, नोएडा, दिल्ली, और फिर इसको ऐड कर लीजिए, देन ओके। अब जरूरी नहीं कि मैं पुणे से स्टार्ट किया तो पुणे से लिखूंगा, मैं यहां पटना से भी स्टार्ट कर सकता हूं, जहां जो लिखोगे वहीं से आपका लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज बना लोगे तो आपके पूरे फाइल में, पूरे फाइल में वर्क करेगा। जिनेश जी, यदि कोई भी फाइल में, ये वाली फाइल में चलेगी जी, ये वाले एक्सेल की फाइल में ही चलेगी या कोई भी फाइल में चलेगी? हमने क्या किया हुआ है, हमने पूरे के पूरे जो हम एप्लीकेशन में जो सेटिंग करते हैं पूरे एप्लीकेशन में इफेक्टेबल होता है, किसी एक पर्टिकुलर फाइल में इफेक्टेबल नहीं होता है। तो जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन को इफेक्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो इसमें जितना डालेंगे इतना ही हो पाएगा, जैसे नंबर्स देने हैं तो अपने हिसाब से दीजिएगा। आप एक इस पे और रिसर्च करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम क्लिपबोर्ड की, पेस्ट स्पेशल की। देखिए पेस्ट स्पेशल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्यों है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम अपने ऑफिस में, जहां तक मेरा अनुमान है कि हर 10 मिनट पे एक बार कॉपी पेस्ट जरूर करते हैं, ठीक है। और कॉपी पेस्ट में जो हमारा मेन होता है वो होता है पेस्ट स्पेशल। तो एक छोटा डेटा बना तो छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी समझेगा। और जब भी कोई सैंपल डेटा बना रहे हो तो आप रैंड बिटवीन फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। रैंड बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर निकालता है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और मैं इसको कॉपी करके किसी अलग लोकेशन में पेस्ट करूंगा। जैसा पेस्ट करूंगा वैसा ही पेस्ट होगा। याद है कि पेस्ट करने से वैल्यू चेंज हुआ ना, रैंड बिटवीन का फीचर है। रैंड बिटवीन जब भी कॉपी वैल्यू पेस्ट होता है तो अपना फीचर, अपना वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में इतने सारे ऑप्शन है, मतलब कि मुझे पूरा का पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना है, एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है। जैसे कि मुझे फॉर्मूला को पेस्ट करना है तो फॉर्मूला पेस्ट होगा, हमें वैल्यू पेस्ट करना है तो पेस्ट सेल में वैल्यू पेस्ट होगा, ठीक है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास डेटा है, तो जब हम वैल्यू पेस्ट करते हैं तो किसी अनोदर लोकेशन में पेस्ट होती है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जहां पे पेस्ट किया हूं मेरा डेटा वही पे रिप्लेस चेंज हो। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया। इससे क्या होगा कि मेरा फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा उसकी वैल्यू से, ये कहिए कि उस लोकेशन का फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। तो फॉर्मूला रिमूव करने के लिए भी हम पेस्ट एज ए वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ छोटे 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 चीज और है, जैसे कि पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फॉर्मेट जो कि फॉर्मेटिंग शो करता है, कमेंट जैसे कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर हम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हम कमेंट के जरिए डालते हैं। तो हम करेंगे इंसर्ट और यहाँ सॉरी यहाँ पे इंसर्ट कमेंट्स, और यहाँ पे अपनी जो मर्जी कमेंट डाल दें। फिर आपको लगता है कि कमेंट को कई सारी जगहों पे हमें पेस्ट करना चाहिए, तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए कमेंट्स कर दीजिए, तो सिर्फ कमेंट्स को पेस्ट करेगा, डेटा पेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से अपना हेडिंग को कम और ज्यादा कर लेते हैं, मतलब कि एक पेज पे प्रिंट हो या फिर एक एक सिंगल विंडो पे व्यू हो, इस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेते हैं कॉलम साइज को। लेकिन कहीं भी आप पेस्ट करें, पेस्ट वैल्यू करें, पेस्ट फॉर्मूला करें, कुछ भी करें, तो आपकी कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होती है। सिर्फ पेस्ट क्या होता है, इसकी डेटा। तो पेस्ट स्पेशल में आपके पास यहां पे आता है कॉलम विड्थ जो कि सिर्फ कॉलम विड्थ को पेस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम विड्थ को पेस्ट करता है, डेटा फॉर्मेटिंग को नहीं। डेटा फॉर्मेटिंग वगैरह पेस्ट करने के दोबारा से पेस्ट आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा डेटा भी पेस्ट हो और कॉलम की साइज भी पेस्ट हो। अगर आप यूज कर रहे हैं विंडो 13 एंड 16 तो उस केस में क्या होगा, देखो बताता हूँ, कॉपी करता हूँ। हाँ, उस केस में आप पेस्ट स्पेशल करते समय आप इस पे क्लिक ना करें, इधर एरो पे क्लिक करें, कर्सर ले जाएंगे या क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिखेंगे। इसमें एक आइकन ये आएगा जिस पे कर्सर ले जाओगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, उस पर क्लिक कर देंगे तो कॉलम की विड्थ और डेटा दोनों आएगा। तो बीजू जी कोई डाउट इसमें? नहीं, एकदम सही है। आप बात करते हैं कि अगर आपके डेटा में कोई पर्टिकुलर डेट टाइम हुआ तो क्या होगा। इसमें यहाँ पे कुछ डेट डाल देता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो जनरली हम डेट वगैरह की फॉर्मेट को माने कि बाकी फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, फॉर्मूला रिमूव करने के लिए हम लोग पेस्ट एज ए वैल्यू कर देते हैं। लेकिन जैसे आप पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो कि आपके सामने दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका डेट जो है नंबर में आ जाता है। तो पहले मुझे इस चीज को समझना है कि ये जो डेट नंबर में आया है ये आखिर है क्या। ठीक है, डेट जो है नंबर में आया आखिर है क्या, इस चीज को समझिए। तो बेसिकली हम जब भी कोई डेट लिखते हैं तो नंबर ऑफ डेज में हमारे सिस्टम में स्टोर होता है। जैसे कि मैंने आज की डेट लिखी तो आपके आज की डेट लिखा आपने 9 जून, लेकिन जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मेट कर दूं जनरल का तो ये 43,260 दिन, मतलब कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है 1 जन 1900 से और जब डेट डाला है तब तक का जो टोटल डेज है वो आपके डेज है। समझ गए? हाँ, उसी डेट से लेता है 1 जनवरी 1900। 1 जन 1900 आप अगर कैलेंडर पे भी जाके देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहला डेट जो दिखेगा वो 1900 का दिखेगा, उससे पहले का डेट नहीं है। तो इससे दो चीज साबित होता है, एक जगह अगर मैं एक एक 1900 से पहले का डेट लिखते हैं तो वो डेट नहीं टेक्स्ट में आएगा। ठीक है, और दूसरी कि ये नंबर ऑफ डेज होता है, आप किसी को साबित करना हो तो कैसे साबित करोगे। जैसे मैंने मान लीजिए 1 नंबर लिखा और
और इसके ऊपर मैंने डेट का फॉर्मेट ऊपर से असाइन कर दिया, तो 1/1/1900 आ गया, मतलब एक दिन तो डेट क्या बना 1/1900। फिर मैंने डाला डेट मान लीजिए कि 368 दिन डाला, तो यहां ईयर चेंज हो गया, 365 दिन का होता है, ईयर चेंज हो गया, आ गया आपको कि 2 जनवरी 1901। इसी तरीके से मैं 43/101 करूंगा तो हमारा 1/1/2018 आ जाएगा। अब ये तो समझिए कि आखिर है क्या। अब नाउ हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा सिस्टम हुआ क्यों। तो स्पेशल रूल कहता है कि अगर आप किसी भी टैक्स नंबर के साथ टैक्स जोड़ देते हैं तो उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा, बट डेट में हो रहा है क्योंकि विजुअल आपको है 1 जनवरी 1900, बट एक्चुअल में है क्या है, एक्चुअल में आपका है 43101 और कैलकुलेट होकर रिजल्ट क्या आया 43121। मतलब डेट का जब हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो एक सिस्टम चलता है जो कि टाइम को 30 दिन के बाद 31 दिन के बाद मंथ चेंज कर देता है, 365 बाद ईयर चेंज कर देता है, इस तरह से उस चलता है और चल के एक डेट फॉर्मेट बना देता है। लेकिन जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज वैल्यू करते समय हम सिलेक्ट करते वैल्यू, तो वैल्यू सिस्टम क्या है, इसको कहा गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी हमारा एक तरह का फॉर्मेट्स है तो उसको रिमूव कर देता है, उसके जगह पे आप फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट इस्तेमाल करें तो सही रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोग को? सही है। अब चलिए अगली कुछ और जो भी डिस्कस करते हैं, जैसे हमने 20 लिखा और 30 लिखा, अगर मैं 30 को कॉपी करूं और 20 के ऊपर पेस्ट स्पेशल करता हूं और यहां पे पेस्ट एज ए वैल्यू या कुछ कर देता हूं तो क्या करता है कि 30 जो है 20 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बट मैं यहां पे सिलेक्ट कर लूं ऐड, तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, मतलब 20+30=50, तो रिजल्ट आपके सामने 50 आएगा। मतलब कि अगर मैं ऑपरेशन में कोई अगर सिलेक्ट करता हूँ ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं उसको एडिशन मल्टीप्लाई और एडिशन और है ना डिवाइड नहीं सब्ट्रैक्ट माइनस तो ये कर देगा। अब इसका यूज क्या होता है इसके बारे में चली जाने, उससे पहले हमें परसेंटेज सिस्टम को समझना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है 20%, 20% साइन कर दूंगा तो 20% हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे अगर 20 लिख के छोड़ दिया और इसके ऊपर अगर मैं परसेंटेज का साइन असाइन करता हूँ तो 2000% आएगा, क्योंकि गलत है, मतलब मुझे टाइप करते समय करना होगा या अदरवाइज 0.20 लिखने के बाद फिर इसके ऊपर आप परसेंटेज का साइन दे सकते हैं, राइट साइन दे सकते। आपका आवाज इको हो रहा है, मेरी आवाज इको हो रही है, मेरी आवाज इको हो रही है, अभी भी इको हो रही है? नहीं अभी नहीं हो रही है, वो विकास जी के माइक से आ रहा था। तो परसेंटेज का सैंपल मैंने यहां दिया देके, और हमारे कुछ कलीग थे जो कि मुझे कुछ नंबर्स भेजा करते थे इस तरह से वैल्यू पेस्ट करके मैं फॉर्मूला रिमूव कर देता हूं, ठीक ना, मुझे इस पे परसेंटेज करना है। अगर मैं सिलेक्ट करके परसेंटेज लगा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये 2000 × 100 × 100 हो जाएगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में यहां पे हम 100 लिखेंगे और इस 100 को कॉपी करेंगे और फिर इसको राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें और पेस्ट स्पेशल
और यहां पे हम करेंगे डिवाइड, तो क्या होगा कि एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 100, तो सब पॉइंट्स में चले जाएंगे, फिर इसके ऊपर इजीली से हम परसेंटेज का सिंबल असाइन कर सकते हैं। और अब मुझे उनको वापस हटा के भेजना होगा, तो मैं परसेंटेज का सिंबल हटा के इसको जनरल फॉर्मेट में करूंगा, फिर 100 को कॉपी करूंगा, पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, और डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई इसको, जल्दी आ गया, तो ये आ गया ऑपरेशन समझ में। हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है सर? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। अब मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, मैं बताता हूं आपको, चलिए कुछ और चीज दिखाता हूं पेज स्टेशन में। और यहां पे मैं कुछ नंबर्स दे देता हूं, तो हुआ क्या कि मुझे चेंज करने है, जो ए पर्टिकुलर नंबर है उसको इसमें डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, और इसको इससे डिवाइड करना है, राइट? तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमारे पास स्किप ब्लैंक है। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जो पर्टिकुलर नंबर है उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर देता है, समझ गए, मतलब सॉरी ब्लैंक को स्किप करता है और जो नंबर है उसी को रिप्लेस करता है, मैं गलत बोल गया माफ कीजिएगा, मतलब जैसे कि ये ब्लैंक एरिया है इसको कॉपी से बाहर कर देगा, सिर्फ 20 है तो सिर्फ 20 कॉपी पेस्ट करेगा, 30 कॉपी पेस्ट करेगा, 40 को पेस्ट करेगा, 50 को पेस्ट करेगा। अब इसको ओके कीजिए, हो गया 50, 30, 20, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते। उसके बाद आता है ट्रांसपोज का, कोई नंबर अगर मान लीजिए वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल कर देना, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर देना। अब मुझे लगता है आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार बता देता हूं, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसने मैंने कर दिया ट्रांसपोज, तो हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसका एक और यूज है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेल को अगर आपको लिंक करना हो तो कैसे करते हैं, हम जनरली इक्वल प्रेस करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर मार देते हैं, तो वो लिंक हो जाता है। लेकिन लिंक करने का एक और तरीका है कि इसको कॉपी करें और राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसने कर दिया पेस्ट एज ए लिंक, तो लिंक हो जाएगा। सेम सीट पे अनदर शीट, अनदर फाइल, हर जगह इसको कर सकते। यही नहीं, अगर आप इसको ये करना चाहते हैं, इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं एक बार इसको ये कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, कॉपी किया, तो यहां जब पेस्ट आप करते हैं तो इसी के नीचे आपको आता है पेस्ट एज ए पिक्चर, तो ये पिक्चर में इसको कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। बेसिकली इसको डैशबोर्ड वगैरह पे हमारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा लिंक हो, जैसे बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है होगा, मान लीजिए डेटा आपका बार बार अपडेट होता है, तो एवरी टाइम आपको कॉपी पेस्ट करके डैशबोर्ड पे डालना होगा, तो उस केस में हम पेस्ट एज ए पिक्चर ना करके पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। उस केस में क्या होगा कि अब मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, बड़ा या छोटा, और साथ में लिंक होगा, अगर मैं कोई कलर चेंज करता हूं तो कोई कलर चेंज हो जाएगा, फिर वैल्यू चेंज करता हूं तो एंटर मार के वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये भी सेम फाइल, सेम शीट पे, अनदर फाइल पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, आउटलुक पे, कहीं भी इसको कर सकते हैं, समझ गए? हाँ सर। अब बात करते हैं अगली टॉपिक फॉर्मेटिंग की। अब फॉर्मेटिंग टॉपिक मोस्टली आप लोगों को आता होगा,
जैसे कि राइट क्लिक के फॉर्मेट सेल करते हैं तो इसमें अलाइनमेंट वगैरह का पार्ट आपको पता ही होगा, फॉन्ट के पार्ट पता ही होगा, बॉर्डर भी पता ही होगा, ये सब चीजें तो आपको पता ही है। बट नंबर फॉर्मेटिंग पे आए तो इसमें कुछ चीजें हैं तो जनरली सब आपको पता ही होगा। ठीक है, नंबर आपका नंबर देता है, करेंसी में करेंसी का सिंबल लगा सकते हो, अकाउंटिंग या करेंसी के एक और यूज कर सकते हो, आई थिंक मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, से नंबर्स हैं तो ये कहीं कहीं पे जीरो है, आओ पास ना यादव जी, लिंक पे वही लिख दीजिए, उसी लिंक पे क्लिक कीजिए। और फिर मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और हमने यहां पे अकाउंटिंग या करेंसी दोनों ले सकते हो, मैंने नन कर दिया। तो क्या होगा कि ये जीरो जो आपका है वो डैश में कन्वर्ट होगा। और एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, जो डैश आप दिख रहे हो ये डैश आखिर डैश दिखता है बट ओरिजिनल में जीरो ही है। एक थ्योरी है उसको याद रखिएगा कि किसी भी कंडीशन में आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी बाय फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, वो जस्ट विजुअल को चेंज करेगा, ओरिजिनल आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। बट इसका कस्टम फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस पूरे नंबर पे चेक, इस पूरे कॉलम में चेक लिखना है, तो हम लोग 00 चेक नंबर में कभी कभी 00 भी होता है, अगर लगा दिया तो 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सिंगल कोड लगाते हैं 00 6352, एंटर मारते हैं, ले लेता है। अब मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर ही लिखना है तो क्या करेंगे, हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं और देन अब मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा तो टेक्स्ट ही बनेगा, हमें सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं, यहां तक कि अगर मैंने फॉर्मूला भी लगाया तो फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट परफॉर्म करेगा और आपका शो करेगा। बट प्रॉब्लम कब होगा कि किसी पर्सन ने आपको टाइप करके भेज दिया हुआ है, अब आपको प्रिंट करके बैंक भेजना है। बैंक में क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है कि आपके पास चेक, एक दो चेक आते हैं तो फॉर्म भर के दे देते हैं, लेकिन कंपनियों के पास एक दिन में 1000 चेक, 2000, 10000, 20000 चेक ऐसे आते हैं। जैसे बैंक है, लोन कलेक्शन डिपार्टमेंट है, पेमेंट जो भी पेमेंट रिकवर करते हैं, या मंथली बेसिस में जो क्लाइंट्स के पेमेंट आते हैं, सिक्योरिटी कंपनीज है, उनके अगर 500 क्लाइंट है तो 500 चेक आएगा एक महीने में। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सबका फॉर्म भरने लगे तो उनको तो काफी टाइम लगेगा, तो वो लोग क्या करते हैं टाइप करके एक एनेक्सर बनाते हैं और उसके साथ चेक को बंच करके भेजते हैं लेटर हेड पे। तो वहां पे बैंक क्या कहती है कि मैं 25 नहीं लूंगा, मुझे यहाँ पे 00025 लिख के दीजिए, हमें दिक्कत होता है पढ़ने में। अब आपको बैंक का ही बात मानना है और 00 लिख के भेजना है, तो उस केस में इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और करेंगे फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में हम यहां कस्टम पे आएंगे और कस्टम पे यहां 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 डाल देंगे तो आप देखिए ये 0 को लिख गया, 0 बराबर हो गया। बट ध्यान रखिएगा कि ए यहाँ पे 00025 मैनुअली लिखा हुआ है, अगर मैं इसको राइट क्लिक साइड में जो आ रहा है इसको राइट क्लिक करके इग्नोर एरर कर सकता हूं मैं, दोनों एक्चुअली देखने में एक जैसे बट दोनों एक नहीं है। अगर मैं इन दोनों को लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू इक्वल करूं कि C2 = E2 तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि ये विजुअल और ओरिजिनल दोनों है 00025 बट
ये ओनली फॉर विजुअल है 0.0025, बट ओरिजिनल जो है 25 पे। अब यहाँ पे एक और थ्योरी याद कीजिए, थ्योरीज भी याद करते रहिएगा, जो याद रखिएगा एक कंसेप्ट या मेथड कर लीजिए। एक पहला बताया कि किसी भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करेगा, विजुअल चेंज करेगा, हो सके तो लिख भी सकते हैं इसको आप। ये सब चीजें आगे चल के आपको बिना एक्सेल यूज किए चीजों को समझने में आसान करती है, ठीक है। और दूसरा थ्योरी क्या है कि आपका कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंडीशंस सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, विजुअल पे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो हमने लॉजिकल पे लगाया, इट मींस इसको एक्सेल फंक्शन एंड फॉर्मूला समझता है। तो फंक्शन एंड फॉर्मूला ओरिजिनल वैल्यू पे लगती है, तो ओरिजिनल क्या है 25 है, इसलिए यहां पे पॉज दिया। बट मुझे चाहिए एकदम ओरिजिनल, मतलब कि मुझे सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से नहीं चाहिए, मुझे रिकॉन्सिलेशन करना है, कंपेयरिंग करना है, इस हिसाब से चाहिए। तो उस केस में मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में सेम कंसेप्ट जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में लगाते हैं वो डाल देंगे, 1 2 3 4 5। अब आपका ओरिजिनल आएगा, अब मैं इसको दोनों को इक्वल कर सकता हूं। तो जब आपको जहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग का जो कंसेप्ट है उसको ओरिजिनलिटी में चाहिए, यू कैन यूज टेक्स्ट फॉर्मूला। मेथड सेम होगा, जो कस्टम फॉर्मेटिंग का ट्रिक्स है उसी को अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कुछ और इसी मेथड पे, जैसे कि यहां पे मोबाइल नंबर है। अब मुझे इसमें +91 लिखता हूं तो +91 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस केस में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और हम किसी भी नंबर के आगे प्रीफिक्स लगा सकते हैं या नंबर के बाद सफिक्स लगा सकते हैं। तो +91 दिया क्योंकि ये नंबर है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में डालने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हैश या जीरो देंगे, तो जीरो देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो डाल दिया। तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम कब होगा, ऐसे नंबर पूरा लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन किसी ने कम नंबर लिख दिया तो जीरो लगा देगा। तो उस केस में आपको जीरो के जगह पे हैश लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर शो करेगा। अब हैश जीरो का फंडा क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 25 लिखा और मुझे यहाँ पे MRP 25 लिखना है, MRP 25 लिखना। तो MRP 25 मैनुअल लिखोगे तो इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, नहीं हुआ। तो इसके इस पे क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पे इन्वर्टेड कमा में MRP और फिर इस पे हैश दबा। अगर मैं हैश ना दबाऊं सिर्फ MRP लिख दिया, देखिए इसको इन्वर्टेड कमा में क्यों लिखा, क्योंकि MRP एक टेक्स्ट है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कमा में लिखना होगा। और मैंने उसको ओके कर दिया। ठीक है, तो सिर्फ MRP शो हुआ, इसको आगे आज जो है इसको ये नहीं शो हुआ, डेटा शो नहीं हुआ। तो डेटा को तो हैश चाहिए एंड ओके, ठीक है। तो हैश डालोगे या जैसे मान लो हैश डाल दिया, दो हैश डाल दिया, मान लीजिए यहां देखिए, या जीरो डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने 5 लिखा तो यहाँ पे 5 ही दिख रहा है, 50 लिखूंगा तो 50 दिखेगा, लेकिन अगर मैं जीरो डालता तो क्या होता, तो जीरो जीरो। अगर यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 05 हो जाएगा। तो जीरो जो है डिजिट मेंटेन कर देता है, जीरो या हैश आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। और जीरो डालना या हैश डालना है वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है।
अब चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मीटिंग आईडी ली। सर एक क्वेश्चन था। बताइए सर, एक क्वेश्चन था कि ये तो हम अपना फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि MRP 2500 वो शो कर दे, लेकिन हमारे पास डेटा ही आ रहा है MRP 2500 मैनुअली लिखा हुआ। उस कंडीशन में कैसे करेंगे? हमारे पास तो उसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो फिर कैसे करेंगे? वो तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, सम या डिवाइड या कुछ भी, तो उसके लिए फिर टेक्स्ट करके करना पड़ेगा। वो जो नंबर है उसको केवल लाने के लिए सर वो सर वो बारे में मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या पूछा। नहीं, जैसे हम मेरे पास एक डेटा आया हुआ है जिसमें वो एक्सेल फाइल में मैन्युअली उसने MRP 2500 लिख करके भेज दिया, तो वो तो एक तरह से टेक्स्ट हो गया ना, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो 2500 है। थ्योरी समझाई थी क्या कि फॉर्मेटिंग किसी भी तरीके से आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, समझे? हाँ, और तो वही ना, तो उसकी तो ओरिजिनल वैल्यू होगी MRP 2500। जो कस्टम फॉर्मूला है वो जस्ट नंबर्स को चेंज करता है, उसकी बीजगणित को चेंज करता है। अब आपका ओरिजिनल आ रखा है, उसको आपको करना है तो पहले MRP जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दीजिए ब्लैंक से। जैसे यहाँ पे MRP लिखा हुआ है, मैंने राइट क्लिक किया और इसको हमने लिखा, यहाँ पे दिखाया MRP और मैंने इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। तो ये कुछ नहीं किया, ऐसे ही रिप्लेस हो। ठीक है, एंड अब इसके ऊपर आप अपना कस्टम फॉर्मेटिंग जो भी है MRP जो वो लगा दीजिए। आया समझ में सर? सर समझ में आया? चलिए, तो उसी तरीके से हमारे पास अगली टॉपिक के बारे में, हेलो, समझ में आया सर आपको? सर मैं ये बोल रहा था कि केवल हमें 2500 को अलग लाना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्योंकि MRP उसके जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो मुझे चाहिए चाहिए, तो उसके लिए फिर वही करना पड़ेगा, कॉपी जो उसके फिर से दोबारा डुप्लीकेट वैल्यू लेकर के MRP को रिप्लेस करना पड़ेगा। फिलहाल तो मैनुअली करना पड़ेगा, बट फॉर्मूले के जब मैं आपको सिखाऊंगा तो फॉर्मूले के थ्रू आप उसको अलग कर सकते हो, वो आगे क्लासेस में आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको जो कि आपने। ओके सर, ओके। ठीक है, बट फॉर्मूले के जरिए पॉसिबल है, एरे फॉर्मूला है लगेगा उसके लिए पॉसिबल है, VVM मैट्रिक्स के जरिए पॉसिबल है, अलग हो सकते हैं। अब जैसे कि इसी तरह से मान लीजिए कि मैं 25,000 दे रखा है, अब मुझे इसको अमाउंट इन थाउजेंड में करना है, तो मुझे यहाँ कस्टम पे जाना है और यहाँ पे एक हैश देना है, कॉमा देना है। तो यहाँ देखिए 25 हो गया और साइड में लास्ट में मुझे के लगा देना है तो के हो गया। ठीक है, ऐसे अगर आपने डेट लिखा, मैंने हमारे आज का डेट लिखा, डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, अब मुझे इसके अपने हिसाब से डेट चाहिए, तो मैं यहां से अपने हिसाब से डेट ला सकता हूं। कैसे? यहाँ पे कस्टम में देखिए, कस्टम में क्या होता है कि डी जो होता है डेट होता है, ठीक है, और एम होता है मंथ और वाई होता है ईयर, समझे? अब मैं डी को दो बार लिखूंगा तो मेरा डेट आएगा 012 के फॉर्मेट में, तीन बार लिखूंगा तो सैटरडे संडे शॉर्ट में आएगा, चार बार लिखूंगा तो सैटरडे संडे लॉन्ग में आएगा। उसके बाद ऐसे ही मुझे ईयर जो है, मंथ जो है, एक बार लिखूंगा तो ये आएगा, दो बार लिखूंगा तो 012 फॉर्मेट में, तीन बार लिखूंगा तो कंप्लीट, चार बार लिखूंगा तो कंप्लीट, और पांच बार लिखूंगा तो सिर्फ उसका कॉस्ट लेटर।
और ईयर एक या दो बार लिखूं तो ये आएगा, और तीन से चार बार लिखूं तो फुल आएगा। अब इसको अपने हिसाब से जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ करके बना सकते हैं। कॉल आ गया था, और उसी तरीके से टाइम हुआ जैसे कि हमने 10, 50 और यहां 55 दिया, तो इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि एच करोगे तो आवर, एम करोगे तो मिनट, और एस करोगे तो सेकेंड। और इसमें आप एएम स्लैश पीएम कर दीजिए तो एएम पीएम आ गया, पीछे जहां लगाएंगे वहां हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास मान लीजिए कि 58 घंटे 20 मिनट है हमारे पास, और जब ये फॉर्मेट में आ गया, अब अजीब सा फॉर्मेट हो गया, मुझे चेंज करके इसको टाइम में लाना है, तो एक तरीका है कि टाइम में जाइए 30-55 सेलेक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा, यहां देखिए आ गया। या कस्टम में आइए, थोड़ी यहां कस्टम में आइए, और कस्टम में देखिए क्या है कि आवर जब भी 24 घंटे के से ऊपर का आवर होगा तो बड़ी ब्रैकेट में डालेंगे एच को, ध्यान रखिएगा, इसी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉर्मल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसी को मिनट में कन्वर्ट करना है तो सबके जगह पे आप बड़ी ब्रैकेट में एम को डाल दीजिए तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो मिनट में कन्वर्ट हो गया। और इसी को टेक्स्ट फॉर्मूले में डालोगे तो आपका ओरिजिनल आ जाएगा, जिसपे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद नेक्स्ट जो आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। देखिए अब हमने कस्टम फॉर्मेटिंग लाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, हमने कहां पे क्या फॉर्मेट किया उससे मतलब नहीं है। हमने सिलेक्ट किया, कलर किया तो कलर हो गया, और इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हमें पता। लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग तो सिर्फ नंबर पे फॉर्मेट करती थी, और भी उसकी नंबर फॉर्मेटिंग फॉर्मेट होता था, लेकिन मुझे पूरी फॉर्मेटिंग करना, मुझे हर तरह का फॉर्मेटिंग करना है, तो हर तरह का फॉर्मेटिंग कैसे होगा? तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करेंगे। जिस एरिया को फॉर्मेट करना है उस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहां पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स है जैसे हाईलाइट सेल्स रूल्स। अब इसमें हमारे पास आता है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टैक्स कंटेन, डेट ऑफरिंग, डुप्लीकेट। अब चलिए एक एक समझते हैं, एक एक को सबको। तो हाईलाइट कैटेगरी में ग्रेटर देन को सिलेक्ट करता हूं और यहां मैं लिखता हूं 50 2000, तो जब 2000 से ऊपर वाली अमाउंट है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। लेकिन एक डिफॉल्ट कलर से हो, आप अपने हिसाब से यहां कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे येलो कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन फिल कर सकते हैं, रेड फिल कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेट, जहां पे आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग चाहे वो फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप यहां देख लीजिए क्या है कि ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू, इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर। आप देखिए बिटवीन, लेस देन और ग्रेटर देन में सिर्फ आप डाल सकते हैं कोई नंबर, कोई डेट या टाइम, बट इक्वल टू में एवरीथिंग। जैसे कि मुझे 60 को हाईलाइट करना है तो 60 हाईलाइट हो गया, और मुझे आईटी को हाईलाइट करना है तो आपका आईटी हाईलाइट हो जाएगा। तो यहां पे एग्जैक्ट सेल वैल्यू डाला जाता है। लेकिन मान लीजिए कि मैं यहां पे दिल्ली को हाईलाइट करूंगा इक्वल टू से, तो दिल्ली हाईलाइट होगा, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। देखिए न्यू दिल्ली यहां हाईलाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली एग्जैक्ट इक्वल टू एग्जैक्ट सेल को हाईलाइट करता है,
बट यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन है, ये क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली दे दिया, वो दिल्ली अकेले हो या न्यू दिल्ली के साथ हो या दिल्ली रोड हो या पुरानी ओल्ड दिल्ली हो, कुछ भी होगा वो उसको हाईलाइट कर दे, बट दिल्ली होना चाहिए। मतलब तो जो वर्ड इसमें हम लिखते हैं वो सेल के साथ किसी भी पोजीशन में होना चाहिए, तो उसको हाईलाइट कर देता है। उसी के बाद डेट ऑकरिंग की बात आती है, तो मैं एक पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे डेट ऑकरिंग सिलेक्ट करता हूं। डेट ऑकरिंग में यहां पे क्या है कि यहां पे आपका मान लीजिए कि अगर मुझे करना है कि भाई मेरा हर दिन करेंट डेट हाईलाइटेड हो या प्रीवियस डेट हाईलाइटेड हो या नेक्स्ट वीक का, दिस वीक का, नेक्स्ट मंथ का, दिस मंथ का, दिस क्वार्टर, ऐसे एक पीरियड हाईलाइटेड हो और जैसे जैसे सिस्टम रेट बढ़े वो भी अपने आप को बढ़ाता जाए, तो उस केस में मैं यहाँ पे डेट ऑकरिंग सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे चूज करूंगा कि टुडे आज का सिस्टम डेट हाईलाइट करेगा, टुमोरो कल का डेट हाईलाइट करेगा, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ये आपको हाईलाइट करते रहे। और जैसे सिस्टम डेट चेंज होगा वैसे ये अपने आप को चेंज भी करेगा। अब जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हमारे पास एक डुप्लीकेट वैल्यू है, तो जो वैल्यू मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट कर देगा, देखिए हाईलाइट कर दिया, और यूनिक जो सिर्फ एक बार है उसको हाईलाइट कर देगा। तो इसमें हाईलाइट सेल्स में आपने सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्सचर कंटेन, डेट ऑफरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। एनी कोई डाउट है इसमें आपको? ओके, मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। नो सर। ओके, मेरे हिसाब से नहीं हो। अब बात करते हैं टॉप बॉटम। अगर मैं टॉप 10 किया तो टॉप 10 हाईलाइट हो जाएगा वैल्यू के हिसाब से, और हमने बॉटम 10 किया तो बॉटम 10 हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें टॉप 10 परसेंटेज किया तो परसेंटाइल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, या बॉटम ने परसेंटेज किया तो परसेंटाइल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाईलाइट करेगा। तो परसेंटाइल फॉर्मूला जब पढ़ाऊंगा तो ये समझ में आएगा, फिलहाल इसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट आता है अबव एवरेज। अब जो सिलेक्टेड से कॉलम है उसका यहाँ एवरेज देखिए 1778 डिफॉल्ट कैलकुलेट हो रहा है। अगर मैंने अबव एवरेज किया तो ये 1778 से ऊपर वैल्यू को हाईलाइट कर देगा। इन फ्यूचर में अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो एवरेज चेंज होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप को चेंज करके कलर को एडजस्ट कर देगा। ऐसे ही बिलो वैल्यू भी, बिलो एवरेज भी करता है। अब कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जैसे आइकन्स वगैरह देख लीजिए, जैसे कि डेटा बार। अब इसमें कौन सा सेल वैल्यू इस पूरे कॉलम में क्या पोजिशन रखता है ये बता पाना मुश्किल है, कि कौन सा हाइएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, कौन सा मिडल का है, कौन सा अपर थोड़ा सा लोअर से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसी में डेटा पे हम चार्ट तो लगा सकते हैं। लेकिन डेटा बार लगाओगे तो ये आपको उसी कॉलम बता देगा कि कौन हाईएस्ट है। देखिए 7740 जब दिख रहा है बड़ा सा कॉलम बन गया, इसका मतलब है कि हाईएस्ट है, मिडल है, लोअर से थोड़ा सा ज्यादा, एकदम लोअर है, तो ये डेटा मेनू बार इसका इस्तेमाल करता है। उसी तरह से कलर स्केल आपको कलर का स्केल तैयार करता है, और यहाँ पे आइकन्स, यहाँ पे आपके आइकन्स शो करते हैं, आइकन के जरिए बताते हैं कि लोअर है, अपर, लोअर अपर है, मिडल है, लोअर मिडल है, और लोअर है, ऐसे चीजों को बताता है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई करें कि आपका डेटा क्या है। ये तो हुआ बेसिक, मतलब कि इसकी बेसिक कंसेप्ट। इसके अलावा यहाँ पे और भी कंडीशंस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बाहर बिटवीन था तो यहाँ नो बिटवीन और नॉट बिटवीन दोनों है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा यहाँ पे डाला हुआ है, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो आप। और इसके अलावा और भी यहाँ पे और भी फीचर्स है, जैसे टेक्स्ट में वहां पे कंटेनिंग था तो यहाँ पे नॉट कंटेनिंग, बिगेन विथ, एंड विथ है, इसको अप्लाई कर सकते हो आप। और यहाँ पे अगर कोई अपना खुद का कंडीशन हुआ तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट क्या है कि हमें अभी फॉर्मूला सीखे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि कल सेम टाइम 9 बजे का टाइम मैं रखता हूँ फॉर्मूले के लिए, और कल हम आपको एक फॉर्मूले की क्लास देते हैं। फॉर्मूले की कुछ फॉर्मूले सीखने के बाद फिर मैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम आपको सिखा देंगे। क्या बिजू जी कल नहीं हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, नहीं हो पाएगा?
स्टेशन